नमस्कार, प्रदेश सक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस पर हुए विशेष कार्यक्रम में शिरकत की। ये प्रोग्राम था तो स्कूल की स्थापना दिवस का, लेकिन पीएम मोदी ने इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपनी नजदीकी बताकर बीजेपी में उनके कद को लेकर उठते रहने वाले तमाम सवालों पर ब्रेक लगा दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में पहले ग्वालियर से लगाव का जिक्र किया। बतौर मुख्य अतिथि अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि काशी के विकास में ग्वालियर का जो योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने कहा कि काशी का संरक्षण करने में सिंधिया परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और दो वजहों से ग्वालियर से मेरा विशेष नाता भी है। एक तो मैं काशी का सांसद हूं और काशी की सेवा करने में, हमारी संस्कृति के संरक्षण में सिंधिया परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सिंधिया परिवार ने गंगा किनारे कितने ही घाट बनवाए हैं। बीएचयू की स्थापना के लिए आर्थिक मदद की है। आज जिस प्रकार काशी का विकास हो रहा है उसको देखकर महारानी बेजाबाई और महाराज माधोराव जी को उनकी आत्मा जहां भी होगी कितनी प्रसन्नता होती होगी इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। पीएम मोदी ने ग्वालियर से लगाव की दूसरी वजह भी मंच से बताई। पीएम मोदी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुजरात के दामाद हैं, इसीलिए उनसे उनका दूसरा रिश्ता है। पीएम मोदी ने मंच से ये भी बताया कि उनका गांव गायकवाड़ स्टेट का गांव था, जहां गायकवाड़ परिवार ने पहला प्राथमिक स्कूल बनवाया था। इसी स्कूल से पीएम मोदी ने मुफ्त में शिक्षा पाई है। यही गायकवाड़ परिवार ज्योतिरादित्य सिंधिया की ससुराल है। ग्वालियर के साथ मेरा एक दूसरा कनेक्ट भी है। हमारे ज्योतिरादित्य जी गुजरात के दामाद है। इस नाते भी ग्वालियर से मेरी रिश्तेदारी है। और एक भी नाता है, मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट का गांव था और मेरे गांव में जो सबसे पहली प्राथमिक स्कूल बनी वो गायकवाड़ परिवार ने बनाई थी। और मेरा सद्भाग्य है कि मैं मुफ्त में उस प्राथमिक शिक्षा लेता था वहां पर, जो स्कूल गायकवाड़ जी ने बनाई। पीएम मोदी ने अपने भाषण में ग्वालियर से लगाव का जिक्र किया। उन्होंने सिंधिया परिवार की जमकर तारीफ की, ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुजरात का दामाद बताया और उनकी दिल खोलकर तारीफ की। दरअसल इसके बहाने पीएम मोदी ने बीजेपी में सिंधिया का कद भी बढ़ा दिया है। कांग्रेस लगातार सिंधिया को ये कहकर घेरती रही है कि जो रुतबा उनका कांग्रेस में था वो बीजेपी में नहीं है। दिग्विजय सिंह तो यहाँ तक कह चुके हैं कि बीजेपी ने उन्हें महाराज से भाई साहब बना दिया है। साथ ही बीजेपी के भीतर भी सिंधिया की सियासी हैसियत को लेकर तमाम कयास लगाए जाते रहे हैं, लेकिन अब पीएम मोदी ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। राजनीति की दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।